हेलो एवरी वेलकम बैक टू शोनॉज बैंक यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका एक बार फिर से शोनॉलॉज बैंक के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट 11 जो कि रहने वाला आपका कंप्यूटर अवेयरनेस पे बेस्ड ठीक है कंप्यूटर अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी के क्वेश्चन आपको इस सेट में देखने को मिलेंगे मोर देन फिफ्टी प्लस एमसीक्यूज आपको इस सेट में डिस्कस करवाऊंगा मैं आपके कंप्यूटर पोर्शन के दस नंबर का आपका कंप्यूटर आपके एग्जाम में आने वाला है ये पचास क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से करने हैं प्लस पीपीटीज विद आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी ठीक है भाई तो चलो स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लस आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल पे जाते ही आप लोग देखोगे वहां पे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए ठीक है वहाँ जाओगे ट्रिक्स एंड टिप्स साथ में आपके जी के जी के के जी एस के माइंड मैप्स प्लस करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ठीक है भाई तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं ये आप लोग देख लीजिएगा पहले भी मैं काफी लेक्चर्स में ये आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार याद कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है आ जाओ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लैपटॉप कंप्यूटर्स टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स ये सभी क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर्स क्या है ये आपके पास यस क्वेश्चन वन तो भाई ये क्या है आपके पास दैट इज माइक्रो कंप्यूटर्स क्लियर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर ठीक है भाई ये जितने भी आपको जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है लैपटॉप्स आ गए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे जैसे पी डी ए हैं आपके पास टैबलेट्स हैं स्मार्टफोन्स ये सारे क्या हैं आपके टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर कंप्यूटर में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिट क्या होता है कंप्यूटर का गीगा बाइट बिट बाइट या टेरा बाइट यस बताइए तो आप सभी को पता है इट्स बिट क्लियर क्या बिट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा ये सब चीजें वहां से पढ़ लीजिएगा चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन थ्री इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ डी एफ की आपको फुल फॉर्म बतानी है फोल्डर डिस्क ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नेक्स्ट वन इज फोल्डर डेटा ड्राइव फ्लॉपी डेटा ड्राइव यस तो ये है आपके पास भाई फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्लियर क्या है दैट इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई निब्बल निब्बल जो है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं इसको हम लोग बिट हाफ बिट हाफ बाइट या फिर बाइट निब्बल यस निब्बल को क्या कहा जाता है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बताइए तो भाई आपको पता है क्या हाफ बाइट ठीक है निबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ बाइट क्लियर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रीव्यूइंग देज बिफोर प्रिंटिंग प्रिंट करने से पहले हम जब पेज को प्री प्रीव्यू करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी आप यूज करते हैं कंट्रोल एफ सिक्स कंट्रोल एफ टेन कंट्रोल एफ टू कंट्रोल एफ फाइव यस तो भाई वो कौन सी आपकी होती है शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल एफ टू ठीक है कंट्रोल एफ टू यूज की जाती है आपकी प्रीव्यू करने के लिए आपका पेज प्रिंट करने से पहले क्लियर है ठीक है चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लाइन एक्स इज लाइन एक्स क्या है ये एक इंटरप्रेटर है ऑपरेटिंग सिस्टम है असेंबली लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है यस लाइन एक्स की बात की गई है आपसे लाइन तो एक्स क्या है भाई सभी को पता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु अमंग द द फॉलोइंग इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट करा था बिल गेट्स जी ने स्टीव वॉजनेक ने टिम बार्नर्स ली ने चार्ल्स बेबेज ने यस yes, किसने किया था इन्वेंट आपका वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज टिम बार्नर्स ली क्लियर टिम बार्नर्स ली ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई digital computer, digital computer में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा पेयर है रेफर किया जाता है आपको बाइनरी कोड थ्री फोर जीरो क्वेश्चन तो नहीं लग रहा मुझे कि पूरे सेट में आपको कहीं मिलने वाला है ये तो यस इट्स ऑप्शन है बी क्लियर है भाई साहब कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में आप जीरो और वन को रेफर्ड करते हैं एज अ बाइनरी डिजिट या फिर बाइनरी कोड क्लियर इन सॉरी इन फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग ठीक है स्टैंड फॉर एक्टैंड की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है भाई इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एडवांस्ड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरियल न्यूमेरियल्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर यस की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है तो आप सभी को पता है भाई एनी एक्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ओके न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था ठीक है ये आपको याद रखना है एनई के बारे में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे इन अ कंप्यूटर क्लियर विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है इतना सा आप पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा भाई यस सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्ड डिस्क रैम या की बोर्ड यस तो भाई इट्स ऑप्शन ए रैम जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी कहते हैं क्लियर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई द एफ सेवन की इज कॉमनली यूज इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटलुक एक्सेट्रा यस एफ सेवन की कॉमनली किसके लिए यूज की जाती है ओपनिंग हेल्प के लिए चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के लिए सर्चिंग कंटेंट इन वेरियस एप्स के लिए या फिर रीनेमिंग रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स के लिए एफ सेवन की किसके लिए यूज होती है भाई तो ये सभी को पता है आपका स्पेलिंग को चेक करने के लिए ग्रामर एर ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करने के लिए क्लियर चलो एफ सेवन का हो गया नेक्स्ट इन फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग वट डज वी जी ए स्टैंड फॉर वी जी ए किसके लिए स्टैंड करता है विजुअल ग्राफिक्स एरे वीडियो ग्राफिक्स एरे वीडियो ग्राफिक्स ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स ऑडियो फॉर वीडियोग्राफिक्स एरे क्लियर वीडियोग्राफिक्स एरे के लिए स्टैंड होता है आपका दट इज वीडीए आपका हाई रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड डिस्प्लेंग टेक्स्ट होती है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी थी यह आपसे पूछा गया है यस इंटीग्रेटेड सर्किट्स ट्रांजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर्स वैक्यूम यस, थर्ड जनरेशन में आपसे पूछा गया तो थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें आप वैक्यूम ट्यूब बेस्ड यूज होती थी सेकेंड uh, जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर्स थर्ड जनरेशन में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स देन फोर्थ जनरेशन में आपके वी एल एस आई ठीक है वीएलएसआई uh, प्रोसेसर्स यूज होना शुरू हो गए थे चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई विच फंक्शन की इज यूज फॉर ओपनिंग हेल्प ओपनिंग हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन की यूज होती है एफ फोर एफ थ्री एफ वन एफ टू यस हेल्प के लिए आप कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं तो दैट इज एफ वन क्लियर एफ वन आपका यूज होता है हेल्प के लिए क्लियर चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेज लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले स्क्रीन लाइट पेन बारकोड रीडर ऑप्टिकल मार्क इज रिकोग्जेशन दर मैग्निक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉगनाइजेशन दैट इज एम आई सी आर यस क्या यूज किया जाता है तो इट्स लाइट पेन क्लियर लाइट पेन आपका जो है इनपुट डिवाइस है लाइट सेंसिटिव बैंड होता है जो आपका यूज किया जाता है कंप्यूटर में कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले में ठीक थी, है ये या आपको याद रखना कैथोड रे ट्यूब इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटिंग व्हाट डज वी आर एम एल स्टैंड ठीक है वी की आपकी एप्रीवेशन पूछी है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज विजुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज यस वी आर एम एल तो भाई वी एम आर वी आर एम एल स्टैंड फॉर वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज ठीक है ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ठीक है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवर दैट कैन बी मूव्ड इन सेवरल डायरेक्शन टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर और सिमिलर डिस्प्ले स्क्रीन मीडी डिवाइसेस, ओ एम आर जॉयस्टिक्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट यस क्या है इसका सही उत्तर भाई तो इट्स ऑप्शन सी दैट इज अ जॉयस्टिक ये एक इनपुट डिवाइस है आपकी जो आपका लिवर कंसिस्ट करती है जो आपका सेवरल डायरेक्शन में आप मूव करते हैं ठीक है जो इमेज होती है आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पे या फिर डिस्प्ले स्क्रीन आपकी कोई भी हो उन पे ये मूव करके आपको दिखाता है दैट इज जॉयस्टिक ठीक है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुलर एल यस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स लोकेटेड यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटेड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर यस तो इट्स ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर मोशन डेटा इन कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी इनपुट डिवाइस है ये भाई मॉनिटर है ट्रैक बॉल है प्लॉटर है या जॉयस्टिक है यस yes. तो भाई ये क्या है आपके पास दैट इज ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है आपकी क्लियर है याद रखना है आपको चलो वन पेटा बाइट ओके वन पेटा बाइट इज इक्वल्स टू वन जीरो टू फोर जेटा आपसे पूछा गया है वन पेटा कितने 1024 कितने बराबर होता है जेट्टा बाइट हेक्साबाइट टेरा बाइट या गीगा बाइट तो यस 1 पेटा बाइट इज़ इक्वल्स टू 1024 टेरा बाइट्स क्लियर ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 विच शॉर्टकट की इज़ यूज़ टू ओपन द डिजाइन टैब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 वाले में कौन सा शॉर्टकट की होता है आपका डिजाइन टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल ए एफ थ्री ऑल्ट जी या कंट्रोल के यस तो ये आपके पास कौन सा होता है भाई ऑल्ट जी ठीक है माइक्रोसॉफ्ट सिक्स ऑफिस 2016 वाले में ऑल्ट जी जो है ये आपकी शॉर्टकट टर्म होती है ओपन करने के लिए आपका डिजाइन टैब क्लियर ये आपको याद रखना है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इन कॉन्टेक्स ऑफ कंप्यूटर्स वॉर्म इज एन एक्रोनियम ऑफ वॉर्म एकम किसका है राइट वंस रीड मैनी वायरलेस ऑपरेटिंग रीड मॉड्यूल वर्ड ऑप्टिकल रिकोगनाइजेशन मालवियर वर्ड ऑन रैम मेमरी वॉम यस तो राइट वंस रीड मैनी ओके राइट वंस रीड मैनी ये एक्रोनियम है आपका वॉम का क्लियर है ये आपकी एक ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो आपका अलाउ करता है डिस्क को ओवर रिटर्न करने के लिए एक बार और अनलिमिटेड नंबर्स के लिए रीड करने के लिए ठीक है आप राइट एक बार करोगे और रीड आपको उसको, आप उसको अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वॉट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस में आप लोगों के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है जो आप सेंट्रल अलाइनमेंट किसी लाइन की या किसी टेक्स्ट की करते हैं कंट्रोल ई कंट्रोल सी कंट्रोल जी कंट्रोल ए यस तो ये शॉर्टकट की कौन सी आपके पास कंट्रोल ई ठीक है कंट्रोल ई -E, शॉर्टकट की है जिससे आप लोग क्या करते हैं किसी भी लाइन या फिर किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट करते हैं ठीक चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस इनमें से कौन सी पोर्टेबल डिवाइस नहीं है आईपैड्स लैपटॉप डेस्कटॉप या फिर थम uh, ड्राइव्स कौन सी पोर्टेबल डिवाइस नहीं है तो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है यह आपको पोर्टेबल नहीं होता बाकी सब चीजें आपकी पोर्टेबल होती है ये सभी को पता है हु हैज डेवलप्ड द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल दैट इज एपीटी ए पी टी किसने डेवलप करा यह आपसे पूछा गया है गैरी खिल्डल डोगलस टी रॉस राल्फ एचबियर जोनाथन फ्लेचर, यस किसने किया है भाई डेवलप आपका ए पी टी तो ये किया था आपका डॉगलस टी रॉस ने ठीक है किसने किया था भाई ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल दैट इज एपीटी डेवलप किया गया था आपका डॉगलेस टी रॉड के द्वारा ये एक प्रोग्राम है जो कंसिस्ट करता है क्या इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स जो यूज होती हैं आपके स्पेसिफिक पाथ पे ठीक है स्पेसिफिक पाथ में और उसका जो फॉलो करते हैं गिवन पार्ट में कि उसको क्या आगे इंस्ट्रक्शन दी जाती है वैसे फॉलो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल है ये आपका डॉगलेस टी के द्वारा डेवलप करा गया था ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स हैज एक्सटेंशन पी डॉट पी एन जी डॉट पी एन जी कौन सी फाइल का एक्सटेंशन होता है ये आपसे पूछा गया डॉक्यूमेंट फाइल वीडियो फाइल ऑडियो फाइल या इमेज फाइल डॉट पी तो डॉट पी आपको पता है वही किसकी इमेज की आपको क्या देखने को मिलती है दैट इज एक्सटेंशन पी एनजी दैट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट ठीक है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट ये भी आपको याद होना चाहिए आपसे एब्रीविशन भी पूछ सकते हैं पी की डैश इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन कंप्यूटर एंड पावरिंग ऑफ द सिस्टम कौन सा इनमें से प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं और पावर ऑन करते हैं सिस्टम को बूटिंग लोडिंग सेविंग या एग्जीक्यूशन यस yes. तो आपके पास कौन सा सिस्टम है दैट इज बूटिंग ठीक है बूटिंग ओके okay. तो बूट करते हो ना आप सिस्टम को तो उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस ठीक है बूटिंग प्रोसेस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ ई बी सी डी आई सी यस yes, ये हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन एक्सटेंडेड बाइंड्री कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बाइंड्री कंट्रोल डिवाइस इंटरचेंज कोड एक्सट्रो इलेक्ट्रॉनिक बाइंड्री कोडेड डिवाइस इंटरचेंज कोड इलेक्ट्रॉनिक बाइंड्री कंट्रोल डेसिमल इंटरचेंज कोड यस बी सी डी आई सी की फुल फॉर्म क्या है आपसे ये पूछा गया है तो ये आपको सामने दिख रहा है भाई दैट इज एक्सटेंडेड बाइंड्री कोडेड डेसीमल इंटरचेंज कोड ये आपका डेटा इनकोडिंग सिस्टम है जो आपका डेवलप किया गया है किसके द्वारा दैट इज आई बी एम ठीक है आई के द्वारा डेवलप किया गया है ये आपका आ, यूज किया जाता है मोस्टली ऑन कंप्यूटर्स ये यूनिक एट बिट बाइनरी कोड होता है ये भी आपको याद रखना है ईच नंबर जो होता है वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर का होता है एज वेल एज उसमें पंक्चुएशन के मार्क्स भी आपको देखने को मिलते हैं ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे व्हाट डू यू कॉल अ की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड दैट इज यूज्ड टू मूव पॉइंटर दैट इज कर्सर अराउंड द स्क्रीन उस की को आप क्या कहते हैं नेविगेशन की नुमेरिक की फंक्शन की या कंट्रोल की यस yes. क्या कहते हैं आप उसको भाई तो आप उसको क्या कहते हैं दैट इज नेविगेशन की क्योंकि आपको वो नेविगेट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे उसमें आपको फोर देखने को मिलता है ठीक है फोर देखने को मिलते हैं पेज अप पेज डाउन होम एंड एंड कीज क्लियर ये नेविगेशन की होती है आपके पास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है विंडोज सेवन एम एस डॉस विंडोज एंटी या लाइन यस yes. दैट इज विंडोज डॉस ठीक है यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका कौन सा दैट इज अ डॉस ये बेस्ट हाँ एग्जाम्पल है आपकी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की एम एस डॉस चलिए ऑन कंप्यूटर की बोर्ड द शिफ्ट ऑल्ट कीज आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिक कीज मॉडिफाइर कीज फंक्शन कीज या करसर मूवमेंट कीज शिफ्ट ऑल्ट दे कंट्रोल ठीक है ये भी आपको की जो आपको दिखने को मिलती है क्लियर ये आपको याद रखना है दैट इज मॉडिफायर कीज कीज शिफ्ट ऑल्ट जो है, ये आपकी मॉडिफायर कीज मॉडिफायती है चलो वेयर इन अ कंप्यूटर वुड यू यूज जॉय स्टिक फॉर कंप्यूटर गेम्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी यस आप कंप्यूटर में जॉयस्टिक को कहा यूज करेंगे गेमिंग और असिस्टिव टेक्नोलॉजी में मेल मर्ज में कर्सर कंट्रोल में इंक्रीज मेमोरी में स्टोरेज स्पेस में तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका कर्सर कंट्रोल करता है जॉयस्टिक ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर एल्गोरिदम ठीक है इनमें से कौन सा मेथड है जो आपको कंप्यूटर का एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करता है यूज करके कंबिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामेबल लैंग्वेज नेचुरल और प्रोग्रामेबल लैंग्वेज का यूज करके कौन सी आपको यहाँ पे मेथड है नोड स्यूडो कोड फ्लो चॉट या एरे Yes, which one? तो भाई ये आपको देखने को मिलता है स्यूडो कोड ओके स्यूडो कोड ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा भी था ठीक है स्यूडो कोड ये आपके पास एक मेथड है जो डिस्क्राइब करता है कंप्यूटर की एलगोरिदम को यूज करके कंबिनेशन किसका नेचुरल लैंग्वेज का प्लस प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ठीक है याद रहेगा चलो बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट सवाल है आपके पास वॉट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एड अ न्यू रो अबोव गिवन रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको एक रो के ऊपर नई रो ऐड करनी है ठीक है तो आप शॉर्टकट की या, क्या यूज करेंगे यस ऑल्ट आई प्लस आर ऑल्ट प्लस सी प्लस आई शिफ्ट प्लस स्पेस बार शिफ्ट प्लस आई आई प्लस आर यस तो भाई आप क्या यूज करते हैं रो ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस आई प्लस आर ये आप लोग यूज करते हैं रो को सेलेक्ट करने के लिए किसमें आपके माइक्रोटोसॉफ्ट एक्सेल में चलो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपका पास पी ए एस की फुल फॉर्म क्या है प्रोटोकॉल एज अ सर्विस परफॉर्मेंस एज अ सर्विस पेमेंट एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यस पास तो पास स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल होता है जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर डिलीवर करता है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स को ठीक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ते हैं ठीक है भाई याद रखना है आपने ये पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी आर ओ एम यस किया हुआ हमने क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रिकली एफिशियंट प्रोग्रामेबल रीड रीड ऑनली मेमोरी इनहेंसड इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल रीड ऑनली मेमरी यस बताइए कौन सा ऑप्शन है हाँ आपके पास करेक्ट भाई हम सबको बताइए ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर एक नॉन वोलाटाइल मेमरी देखने को मिलती है क्लियर कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमरी चलो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई टी सर्विसेज आई टी सर्विसेज के कॉन्टेक्सट में आपको बीसीपी की फुल फॉर्म बतानी है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बिजनेस कन्फर्मेशन प्रोटोकॉल बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल बिजनेस कन्फर्मेशन प्लान यस बी सी पी तो बी सी पी स्टैंड फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ओके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्लियर है यह आपको याद रखना है यह आपका क्रिएट करता है प्रिवेंशन और रिकवरी आपके सिस्टम का थ्रेट से ठीक है थ्रेट्स जो आपके पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई विच की बोर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू थाउजेंड टेन सिक्सटीन शुड यू यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट फॉर विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम यस कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करेंगे शिफ्ट एफ ट्वेल्व शिफ्ट एफ सेवन शिफ्ट एफ फाइव शिफ्ट एफ इलेवन यस तो आप यूज करेंगे इसको भाई क्या शिफ्ट एफ इलेवन क्लियर है याद रखना है आपको शिफ्ट एफ इलेवन आप यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2016 वाले में यूज करने के लिए इंसर्ट न्यू वर्कशीट फॉर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम F11 खाली जो है वो आपको क्रिएट करता है चार्ट ऑफ डेटा इन करंट रेंज क्लियर है शिफ्ट F11 इलेवन इंसर्ट करता है न्यू वर्कशीट आपका जो नेक्स्ट है ऑल्ट F11 इलेवन ये आपका ओपन करता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एडिटर ठीक है ये आपको याद रखने हैं सारी चीजें भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे अ मैसेज दैट ट्राइज टू ट्रिक अ पर्सन इन टू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन सच एज हिज सोशल सिक्योरिटी नंबर बैंक अकाउंट नंबर लॉग इन यूजर नेम पासवर्ड फॉर अ वेबसाइट इज अ टाइप ऑफ मॉलवेयर ये कौन सा टाइप का मॉलवेयर होता है जिसमें किसी बंदे को आप लोग ट्रिक ट्रिक करके उससे ये सब इंफॉर्मेशन लेके उसका अकाउंट हैक करके उसके पैसे ऐंठ लेते हैं यस yes, वॉम्स माइक्रोवाइरस जोम्बी या फिशिंग तो ये सभी को पता है भाई इट्स अ फिशिंग ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग क्लियर अगर आप लोगों को नहीं पता था ये क्या चीज़ है जोम्बी क्या है माइक्रोवायरस क्या है वॉम्स क्या है ठीक है तो थ्रेट्स क्या होता है मालवेयर क्या है वायरस क्या चीज है तो आप लोगों को हमारी नॉलेज बाइट सीरीज देखनी चाहिए जाके भाई ठीक है नॉलेज बाइट ओके नॉलेज बाइट एक प्लेलिस्ट है वहां जाके आप लोग चेकआउट कीजिएगा हर चीज़ आपको फोर टू फाइव मिनट्स में मैंने अच्छे से अंडरस्टैंडेबल वे में समझा रखिए लेमन लैंग्वेज में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में आपके पास अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी देखने को मिलती है यस ऑप्शन ए हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क पेन ड्राइव या रैंडम एक्सेस मेमोरी यस व्हिच वन तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आपके पास होती है रैम आरएएम रैम ठीक है रैंडम एक्सेस मेमोरी यह आपकी रीड एंड चेंज इन ऑर्डर होती है टिपिकली यूज़ की जाती है स्टोर करने में और वर्क करने में और मशीन के कोड यूज करने में आपकी क्लियर चलो विच विच ऑफ़ द फॉलोइंग कीज विल यू प्रेस इन विंडोज टेन टू टर्न द वॉल्यूम अप वॉल्यूम अप करने के लिए विंडोज टेन में आप कौन सी की दबाते हैं एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स एफ एट तो एफ एट आपके पास यूज होता है भाई किसके लिए एफ एट टर्न अप द वॉल्यूम वॉल्यूम अप के लिए विंडोज टेन में और एफ नाइन जो है ये आपको वॉल्यूम डाउन ठीक है एफ एट से आप वॉल्यूम अप करते हैं एफ नाइन से आप वॉल्यूम डाउन करते हैं ये या आपको याद रखना है भाई चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट यूज टू ओपन एंड सेव फाइल्स इन विंडोज यस फाइल फॉर्मेट मतलब ये इनमें से कौन सा एक्सटेंशन आपका एमएस पेंट यूज करता है डॉट डी ओसी डॉट एक्स आई एस डॉट जे डॉट पी यस, yes, आपका आपका यूज़ करता है भाई, .jpg, है? JPG आपका यूज़ करता करता है है, है भाई. ठीक फॉर्मेट डायग्नोस्टिक यूटिलिटी प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम यस जी आई एम पी की बात की जा रही है यहाँ पे तो जी आई एम पी आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है क्या है ये एक जी एम पी दैट इज इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जी एन यू इमेज मेन्युपुलेशन प्रोग्राम ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नाम से ही कि भाई जो एप्लीकेशन है ये प्रोसेस करता है आपके डिजिटल ग्राफिक्स को जी एम पी आपका फ्री और ओपन सोर्स है क्लियर याद रखना फ्री एम ओपर ओपन सोर्स रजिस्टर ग्राफर एडिटर है जो आपकी इमेज मैनिपुलेशन के लिए या फिर इमेज एडिटिंग के लिए यूज की जाती है जी आई एम पी क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेज कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लीकेट इटसेल्फ तो इनमें से क्या है भाई जो अपने आप को क्या करता है सिक्योरिटी होल्स के द्वारा खुद में अपने नेटवर्क के अंदर अंदर खुद को रेप्लीकेट करता रहता है ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशन वॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सभी को पता है भाई बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो इट्स वॉर्म ठीक है जो वॉर्म है ये आपका ये खुद को रेप्लीकेट करता रहता है ठीक है तो ये अ कॉपी ऑफ वॉर्म स्कैन द नेटवर्क फॉर अनदर मशीन दैट एज स्पेसिफिक सिक्योरिटी होल देन ट्रोजन हॉर्स ये क्या आपके पास टाइप ऑफ मालवियर है जो डाउनलोड करता है कंप्यूटर में और लिजिटीमेट प्रोग्राम वहां पर करता है मतलब कि आपके छेड़छाड़ कर देता है आपके सिस्टम में क्लियर है ये आपको याद रखना है भाई ठीक है तो वॉर्म हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट आ गया अ टपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज लैन ओके लैन के लिए आपकी टपोलॉजी है इन विच नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक हब और स्विच इज कॉल्ड स्टार टपोलॉजी ट्री टेपोलॉजी रिंग टपोलॉजी या बस टपोलॉजी कौन सी टेपोलॉजी होती है तो ये आप यूज करते हैं स्टार टपोलॉजी क्लियर कौन सी स्टार टपोलॉजी क्लियर है ये आपको याद रखना है ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई देखिए एन और ए डैश इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वेन फॉलोड एक्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क इनमें से कौन सा है ये एरे एल्गोरिदम डेटा या नोड है इनमें से कौन सा फाइनाइट इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो फॉलो की जाए तो आपका पर्टिकुलर टास्क टास्क जो है वो आप अच्छे से खत्म कर लेते हैं तो वो है आपका एल्गोरिदम ठीक है अब बोलते हैं ना इंस्टाग्राम का ये एल्गोरिदम है ट्विटर का ये एल्गोरिदम है अगर एल्गोरिदम अच्छे से फॉलो करो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे ये होगा वो होगा तो आपको याद रखना है दैट इज एल्गोदिदम ठीक है एल्गोरिथम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई डैश इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग द सिस्टम बूटिंग लोडिंग सेविंग या एग्जीक्यूशन इट्स अ बूटिंग क्लियर ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर चलो हाउ मेनी टेराबाइट्स आर इन पेटाबाइट एक पेटाबाइट में आपके कितने टेराबाइट्स होते हैं ये आपसे पूछा गया है भाई 1048104210841024 ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई कमेंट करके बता दीजिएगा यस विच ऑफ द फॉलोइंग की बोर्ड शॉर्टकट विल यू प्रेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिस्प्ले द डेस्क टॉप आपके डेस्कटॉप पे जितने भी uh, क्या प्रोग्राम्स ओपन हो रखे हैं ठीक है तो आपके कीबोर्ड पे तो आप उनको सबको मिनिमाइज करोगे कौन सी आप यहाँ पे शॉर्टकट कर यूज करेंगे विंडोज प्लस सी विंडोज प्लस एम विंडोज प्लस एफ विंडोज प्लस डी यस yes, उन सबको मिनिमाइज करना है आपने तो आप करते हैं क्या भाई दैट इज विंडोज प्लस डी विंडोज प्लस डी डी जो है ये आप प्रेस करते हैं तो मिनिमाइज हो जाते हैं आपके सारे के सारे प्रोग्राम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे प्लस जो आपके डिस, डिस् डेस्कटॉप की डिस्प्ले पे होते हैं क्लियर चलो फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट उसका वर्ड वन पॉइंट ओ जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था नाइनटीन एटी फाइव नाइनटीन नाइनटी सिक्स नाइनटीन नाइनटी टू या नाइनटीन एटी थ्री कब uh, ये आपका वर्जन आया था फर्स्ट तो भाई आया था आपका दैट इज 1983 में ठीक है 1983 में आपका वर्ड 1.0 रिलीज किया गया था अक्टूबर 1983 में कि फॉर जेनिक्स जेनिक्स और एम एस डॉक्स के लिए ये फॉलो किया गया था फोर सिमिलर वर्जन्स के साथ साथ जो सक्सेसफुल नहीं हुए थे ठीक है ये आपको याद रखना है भाई ठीक है तो ये था भाई हमारे आज के कंप्यूटर के 50 प्लस MCQs, ठीक है आई थिंक हमने 60 के किए होंगे तो मुझे उम्मीद है भाई आपने काफ़ी कुछ आज के सेशन से भी सीखा होगा क्लियर है कल है आप लोगों का एग्जाम तो सभी को कल नहीं परसों है कल का तो अभी सत्ताईस है कल कल के लिए सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से रिविजन कर लेना भाई सभी लोग ठीक है तो परसों जाके एग्जाम अच्छे से कर लेना कल हमारे दो लेक्चर्स आएंगे ठीक है एक बात बता दूं आपको मैं यहाँ पे कल हमारे क्या आएंगे दो लेक्चर्स आएंगे एक तो मैंने आपको बताया हुआ है जीआई टैग्स ठीक है जि, जितने भी जी आई आपके न्यूज में थे सारे बताऊं क्योंकि जी आई टैग से इसमें एक एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा आए ही आएगा और एक सेशन आपका लूंगा मैं भाई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ठीक है डिस्ट्रिक्स के ऊपर आपके कितने 300 सौ क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं ये मैराथन सेशन होगा आपका जल्दी क्विकली वाला डिटेल uh, डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही सारे उतने होंगे कि आपकी डिटेल डिस्कशन हो जाएगी वो ठीक है तो ये दो सेशन आपकी रिविजन पर्पज के लिए दिन में ही हो जाएंगे शाम तक आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा तो शाम को आपने एक दो घंटा रिविजन करके जल्दी सो जाना है ठीक है तो चलो फिर अभी आप पढ़ो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ठीक है मिलेंगे कल वाले सेशंस में तो तब तक पढ़ते रहो खुश रहो ठीक है चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अब ये हो गए हमारे मॉक टेस्ट आपके फा के लिए अब हम लोग जल्दी ही आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस इंस्पेक्टर का सिलेबस भी शुरू करने वाले हैं अगर उसका भी आपने फॉर्म भरा है उनके भी आपके एग्जाम हैं तो भाई चैनल को फॉलो कर दीजिएगा प्लस वीडियो को लाइक करके जाइएगा ठीक है तो नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई और बेल आइकन तो आप लोग दबा ही दोगे लेक्चर को आपने लाइक कर दिया होगा ठीक है तो पढ़ते रहो खुश रहो गॉड ब्लेस यू कीप लर्निंग कीप शेयरिंग